सर्च करना है जेएमआई रिजल्ट, जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पोर्टल खुल के आएगा, एंट्रेंस रिजल्ट जामिया मिलिया इस्लामिया। सबसे पहले आप देखिएगा jmi.ucanapply.com, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा इस तरीके से, क्रोम में ओपन होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा, मैं इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप साइट में, है ना, ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब हम लोग ये कोर्स टाइप इस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे बैचलर। उसके बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो रिज़ल्ट आया है वो BA LLB का आया है, BA LLB में जाएंगे, ठीक है, ये रहा BA LLB। उसके बाद एक कैप्चा कोड है जिसको हम लोग इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद में ये होगा कि आपके सामने इस तरीके से आपके सामने में आएगा खुल के, जिसके व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो एक PDF खुल के आएगा। उस PDF में आपको अपना लिस्ट में नाम चेक करना है, रोल नंबर चेक करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है जनरल की, इस पर बहुत कम गई है, 85.50 जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 81.50, और वहीं मुस्लिम OBC ST के लिए 79.50, मुस्लिम वुमेन के लिए 78 गया है, जामिया इंटरनल के लिए 8075 गया है, जामिया उसके बाद PWD के लिए 31.50, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 71.25, और कश्मीर माइग्रेंट के लिए 42। तो इस तरीके से कट ऑफ गया, आप अपना सिंपल इसमें चेक करेंगे, अप्लीकेशन ID, रोल नंबर, उसके बाद फर्स्ट रेफरेंस जो है, उसके बाद आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम होगा, उसके बाद वहीं यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी होता है। तो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चेक करके आप अपना देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया या नहीं आया। किसी भी तरीके की अगर एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो दिए गए नंबर है उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।